नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शुभ्रा सैनी। वाराणसी में ज्ञातवापी मस्जिद और श्रृंगारपुरी मामले में वाराणसी कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि 14 से 16 मई तक जो सर्वे ज्ञातवापी मस्जिद में क्या क्या है, वो सर्वे की रिपोर्ट भी वाराणसी कोर्ट में सौंप दी गई है। तो अहम सुनवाई वाराणसी कोर्ट में होनी है, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञातवापी मामले में अहम फैसला सुनाते हुए ये कह दिया है कि वाराणसी कोर्ट इस पूरे मामले पर कोई फैसला ना ले। यानी साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी में ट्रायल कोर्ट से शुक्रवार यानी 20 मई तक ज्ञातवापी मस्जिद मामले की सुनवाई नहीं करने को कहा गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि निचली अदालत यानी वाराणसी कोर्ट को ये आदेश दिया है कि नंदी के सामने की दीवार गिराने वाले मामले में कोई भी आदेश ना दिया जाए। ऐसा आदेश देने से निचली अदालत बचे, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई है। तो फिलहाल ज्ञातवापी मस्जिद का मामला लगातार देश में गरमाया हुआ है। वाराणसी कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रहा है, जहाँ एक तरफ वाराणसी कोर्ट में दरअसल अब रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। रिपोर्ट जो सर्वे ज्ञातवापी मस्जिद में 14 मई से 16 मई के बीच किया गया है, जिसमें मस्जिद के परिसर में वजूखाने में शिवलिंग मिलने का दावा हिंदू पक्ष की ओर से किया गया है। और कोर्ट कमिश्नर जो रहे हैं, जिनकी नियुक्ति इस पूरे सर्वे के दौरान की गई थी, अजय मिश्रा, उन्होंने ये कहा है कि बहुत मेहनत से और ईमानदारी से हमने ये रिपोर्ट तैयार की है, जो कि आज कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। इससे पहले आपको ये बता दें कि 6 मई और 7 मई यानी 2 दिन जो सर्वे किया गया था, उसकी रिपोर्ट भी वाराणसी कोर्ट में सौंपी गई है। लेकिन कुल मिलाकर वहीं अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी, जिसमें ये मांग की गई थी कि सर्वे पर रोक लगाई जाए, ये सर्वे नहीं होना चाहिए, अदालत कोई फैसला ना दे, ये तमाम मांग अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से की गई थी। 1991 के वर्शिप एक्ट का हवाला दिया गया था और कहा गया था कि ये 1991 के वर्शिप एक्ट का उल्लंघन वाराणसी कोर्ट की ओर से किया जा रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की है और अहम टिप्पणी उनकी तरफ से की गई है कि वाराणसी में ट्रायल कोर्ट से शुक्रवार 20 मई तक इस पूरे मामले पर कोई फैसला वाराणसी कोर्ट ना दे, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। आपको बता दें, इससे पहले हिंदू पक्ष के वकील विष्णु चैन ने कोर्ट से कल सुनवाई का अनुरोध किया, जबकि यूपी के वकील तुषार मेहता ने जल्द से जल्द सुनवाई का अनुरोध सुप्रीम कोर्ट से किया है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये कहा है कि हम कल सुन सकते हैं, लेकिन कल पहले ही 50 मामले लगे हुए हैं, मुझे अपने साथी जजों से बात करनी होगी और उसके बाद ही कल मामले पर सुनवाई का फैसला लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल कल तक यानी 20 मई तक वाराणसी कोर्ट इस पूरे मामले पर कोई फैसला नहीं सुना सकती है, ये तय हो चुका है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। आपको ये बता दें कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से जो याचिका दाखिल की गई है, दरअसल उस याचिका के विरोध में एक याचिका हिंदू सेना की ओर से भी दाखिल की गई थी और उस पूरे मामले पर जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की सुप्रीम कोर्ट की बेंच सुनवाई कर रही है और ये सुनवाई में अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से लिया गया है। हालांकि वहीं वाराणसी कोर्ट पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि जिस तरीके से वाराणसी कोर्ट ने इस पूरे मामले पर ज्ञातवापी मस्जिद में सर्वे का निर्देश दिया, बकायदा कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की गई और उसके बाद वाराणसी की ज्ञातवापी मस्जिद में ये सर्वे हुआ, जिसमें ये साक्ष्य टीम ने खंगाले कि आखिर क्या वहां मंदिर था। तो ऐसे में जो ज्ञातवापी मस्जिद का सर्वे हुआ है, जो जानकारी हिंदू पक्ष की ओर से दी गई है, जो तमाम दावे उनकी तरफ से किए गए हैं, उसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि जब मस्जिद का सर्वे किया गया तो उसमें जो वजूखाना था उसमें शिवलिंग मिली है, शिवलिंग का
आकार कहीं ना कहीं 12 फीट 8 इंच बड़ा बताया जा रहा है और ये तमाम दावे हिंदू पक्ष की ओर से किए जा रहे हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि बाबा मिल गए हैं, लेकिन वहीं मुस्लिम पक्ष लगातार इन दावों को नकार रहा है। उनका ये कहना है कि ये दावा ही झूठा है और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि वो शिवलिंग नहीं है, वो फवारा है। तो इन तमाम मामलों पर अब न्यायालय ही फैसला सुनाएगा, यानी वाराणसी कोर्ट ही ये डिसाइड करेगी कि आखिर जो कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट है उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है, उसमें क्या कुछ साक्ष्य जो है इस टीम को बरामद हुए हैं। आपको ये बता दें कि कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा की नियुक्ति की गई थी, हालांकि उसके विरोध में मुस्लिम पक्ष जो था वो वाराणसी कोर्ट भी पहुंचा, जिसमें अजय मिश्रा को हटाने की मांग की गई। और इस सर्वे के पूरा होने के बाद अब अजय मिश्रा को कोर्ट कमिश्नर की जो तौर पर नियुक्ति की गई थी उन्हें हटा दिया गया है। और वहीं स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने 12 पन्नों का दूसरा सर्वे रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट में पेश किया है, यानी ये वो सर्वे रिपोर्ट है जो 14 मई से 16 मई तक के बीच किया गया था। हालांकि इससे पहले पूर्व कमिश्नर अजय मिश्रा ने कोर्ट में 2 पन्ने की रिपोर्ट पेश करते हुए हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां मिलने का दावा किया था। पहला सर्वे 6 और 7 मई को ज्ञानवाबी मस्जिद में किया गया था। आपको बता दें उस दौरान इस सर्वे का बहुत विरोध किया गया, मुस्लिम पक्ष लगातार इस सर्वे का विरोध कर रहा था और इस पर वाराणसी कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया था कि अगर इस तरीके का विरोध किया जाएगा तो उन तमाम उपद्रवियों पर FIR दर्ज होगी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वाराणसी कोर्ट ने जो आदेश दिया उस पर कहीं ना कहीं प्रशासन ने भी मुस्तैदी दिखाई और उसके चलते ही ये सर्वे जो है 14 से 16 मई तक ये पूरा हो पाया, जिसमें हिंदू पक्ष उसी वक्त से ये दावा कर रहा है कि भगवान शिव की जो शिवलिंग है वो वजूखाने में मौजूद है। इसके अलावा वहाँ दीवारों पर आकृतियाँ बनी हुई हैं, स्वास्तिक और कमल जो है वो वहाँ छिपे हुए हैं। ये तमाम दावे हैं जो साफ तौर पर किए गए हैं। उनका ये कहना है कि जो साक्ष्य मिले हैं वो इस बात के प्रमाण हैं कि वहाँ मंदिर था और मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद का निर्माण किया गया है। और इस बात का उल्लेख जो है वो कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा जो रहे हैं उनकी तरफ से भी जो पहली रिपोर्ट सौंपी गई थी उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने उसमें ये दावा किया गया है कि खंडित देव विग्रह मंदिर के मलवा और हिंदू देवी देवता और कमल की आकृति शिलापट आदि का जिक्र जो है वो इस रिपोर्ट में किया गया है, यानी मंदिर होने के प्रमाण कहीं ना कहीं अजय मिश्रा की इस रिपोर्ट में है जो लगातार जानकारी निकल कर सामने आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर ये देखना होगा कि वाराणसी कोर्ट में जो रिपोर्ट दूसरी रिपोर्ट पेश की गई है आखिर इसमें क्या कुछ साक्ष्यों का जिक्र होता है, क्या कुछ बड़े खुलासे इस ज्ञानवापी मस्जिद में जो सर्वे किया गया है उसको लेकर होते हैं। क्योंकि कई तहखाने खोले गए हैं, इसके अलावा उन तमाम जगहों का भी सर्वे किया गया है जिन जगहों पर फिलहाल कोई जा नहीं सकता था, जिन जगहों पर पूजा करने की परमिशन जो है वो हिंदू पक्ष की ओर से मांगी गई थी। आपको बता दें कि वादी पक्ष की रेखा पाठक मंजू व्यास सीता साहू की ओर से मंगलवार को स्थानीय न्यायालय में एक आवेदन भी दिया गया था कि शिवलिंग की जगह पर दर्शन पूजा के साथ ही वजू स्थल पर मिले शिवलिंग के नीचे और नंदी महाराज के सामने तहखाने के उत्तरी पूरब की ओर जो दीवारें चुनी गई हैं उन्हें तोड़कर सर्वे करवाया जाए, परिसर में कई स्थानों पर रखे बांस बल्ली ईंट और बालू का मलबा हटवाकर सर्वे करवाने की मांग भी की गई थी। यानी वाराणसी कोर्ट में कई और मांग जो है याचिकाओं के जरिए की जा चुकी है, जिसमें ये कहा गया है कि जो नंदी के सामने शिवलिंग मिला है जो कि मस्जिद के परिसर के भीतर आता है, दरअसल उस दीवार को तोड़ा जाए और वहां से भी कई साक्ष्य मिल सकते हैं जो साफ तौर पर हिंदू पक्ष में की ओर जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर फिलहाल अदालती कार्रवाई जारी है, जहां एक तरफ वाराणसी कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश की गई है, अब देखना अहम यह होगा कि वाराणसी कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या फैसला सुनाती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाने पर रोक लगा दी है, कल तक वाराणसी कोर्ट इस पूरे मामले पर फैसला कोई नहीं दे पाएगी। लेकिन क्या कुछ टिप्पणियां वाराणसी कोर्ट की ओर से की जाती हैं, रिपोर्ट को लेकर आखिर क्या कुछ खुलासे होते हैं, ये देखना बेहद अहम होगा।
सबकी निगाहें फिलहाल वाराणसी कोर्ट पर टिकी हुई हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वहीं अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की रिपोर्ट पर सुनवाई करते हुए साफ तौर पर उन्हें बड़ा झटका दिया है। जिस तरीके से वो ये दावा कर रहे हैं कि 1991 के वर्शिप एक्ट का हवाला दिया जा रहा है। साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को भी चुनौती दी है जिसमें मस्जिद के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का निचली अदालत का आदेश रद्द करने से मना कर दिया गया था। इसी के साथ ज्ञानवापी सर्वे के दौरान शिवलिंग मिलने के दावे समेत अन्य मामलों को लेकर भी वाराणसी कोर्ट में जाहिर तौर पर सुनवाई होनी है। तो सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला कि वाराणसी कोर्ट कल तक इस पूरे मामले पर कोई फैसला ना सुनाए, लेकिन आपको यह बता दें कि एक रिपोर्ट पहले ही वाराणसी कोर्ट में इस पूरे सर्वे की सौंपी जा चुकी है और अब दूसरी कमीशन की जो रिपोर्ट है वो भी वाराणसी कोर्ट में सौंप दी गई है। तो आने वाले वक्त में ये देखना अहम होगा कि आखिर वाराणसी कोर्ट में इस पूरे मामले पर क्या कुछ सुनवाई होती है और क्या कुछ अहम टिप्पणी वाराणसी कोर्ट की ओर से ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार कोरी मामले में निकलकर सामने आती है। लेकिन फिलहाल न्यायालय के आदेश पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, तो वहीं सियासी सरगर्मियां भी उत्तर प्रदेश में बढ़ी हुई हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।